नमस्कार आदाब काल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर इंपोर्टेंट सोर्सेज में दिस इज फोर्थ ऑफ नवंबर 2022 विद मी चार नवंबर 2022 की खबरों के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूँ मेरे इस चैनल को मेरे इस सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर आपको बैंक एग्ज़ाम के अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो उसकी करंट अफेयर्स आपको करवाई जाती है और आपको कंटेंट इतने अच्छे लेवल का प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आप अपने एग्जाम में अगर बशर्ते आप बहुत अच्छे से रिविज़न करते हैं तो नाइन्टी परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में कंटेंट का लिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं तैयारी बस आपको करनी है चलिए अगर आप मेरे क्लास की अपडेट्स और पी चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ऐट द रेट की पर सर्च करके जहाँ पर आपको मेरी सारी सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पी मिल जाएंगी राइट right. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर आगे बढ़ते हैं और आज की पहली खबर आई है कहाँ से आज की पहली खबर आई है आपकी जस्ट अ सेकेंड और उम्मीद करता तो हूँ मेरी आवाज़ आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कोई परेशानी नहीं होगी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी हम्म ओके okay. चलो पहली खबर यहां पर आई है आज की टाटा स्टील से सो so, टाटा स्टील का जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है उसको यहां पर एक रिकॉग्निशन उसको यहां पर एक सर्टिफिकेशन मिला है और यह सर्टिफिकेशन मिला है आपका रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन आपकी एक ऐसी एजेंसी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर दुनिया भर में किसी भी स्टील प्लांट को अगर वो उनके मापदंडों को यहाँ पर पूरा उतरता है तो उसके अनुसार उनको एक सर्टिफिकेशन देती है जिसको उन्होंने नाम दिया है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन ये रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन उन्हीं संस्थाओं उन्हीं स्टील प्लांट्स को दिया जाता है जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं किसी ना किसी तरह से क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कार्बन न्यूट्रल होने के लिए या फिर उससे जुड़ी है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अगर वो प्लांट काम कर रहा है उस तरह से उस तरह से अपनी प्रोडक्शन को चैनलाइज कर रहा है तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टील प्लांट को रिस्पॉन्सिबल सर्टिफिकेशन से नवाजा जाता है और यहाँ पर इंडिया का टाटा स्टील का जो जमशेदपुर का प्लांट है उसको यही सर्टिफिकेशन फिलहाल दिया गया है सो टाटा स्टील हैज़ रिसीव्ड रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिक सर्टिफिकेशन फॉर थ्री ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन जमशेदपुर जो कि झारखंड में है रिस्पॉन्बल स्टील क्या है स्टील यहां पर आपका इंडिया इंडस्ट्री का पहला का पहला ग्लोबल लेवल एक स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है जो कि यहां पर स्टील प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और इंटरमीडिय के लिए काम करता है ताकि वो स्टील सेक्टर में काम कर सके क्लाइमेट चेंज डाइवर्सिटी ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी चीजों के लिए ठीक है तो सिंपल सी न्यूज एग्जाम से जस्ट हेडलाइन में से क्वेश्चन आएगा कि किसको मिला है स्टील स्टील सर्टिफिकेशन टाटा के जमशेदपुर प्लांट को इकलौता क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन इस न्यूज में से टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट हैज रिसीव द रिस्पॉन्सिबल सर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन ओके सो दिस क्वेश्चन एंड दिस विल बी दंसर टाटा स्टील अगली खबर पे चलते हैं इंडिया ने यहां पर हाल ही में डोनेट करने का फैसला किया तकरीबन ढाई मिलियन डॉलर किसको वो ढाई मिलियन डॉलर दिए हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को और वो दिया गया है पैलेस्तीन रिफ्यूजीज के लिए इन दी नियर ईस्ट ओके सो एक एजेंसी है यू एन आर डब्ल्यू ए ये एजेंसी बेसिकली काम करती है किन के लिए यह काम करती है आपके रेफ्यूजीज के लिए और रेफ्यूजीज भी कौन से जो पैलेस्तीन एरिया के हैं उन रेफ्यूजीज के लिए यहां पर उनको आपका सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए उनकी मदद के लिए उनकी फंडिंग के लिए उनको रहने की जगह उनको खाने का सामान ये सब प्रोवाइड कराने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है द नेम इज द यूनाइटेड नेशन आरडब्ल्यूए आरडब्ल्यूए रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए काम करती है तो इंडिया ने इसी एजेंसी को यहां पर 2.5 बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर देने का फैसला किया है और यह इंडिया ने पहली बार इस तरह का कुछ नहीं दिया है कि कहा गई पहली बार दिया है। नहीं इंडिया इससे पहले भी इसी इसी तरह के डोनेशन एजेंसी को देती आ रही है और इंडिया ने अब तक उनको 22.5 मिलियन डॉलर दिया है 2018 से अब तक यह टोटल है अमाउंट है आरडब्ल्यू की बात करू जैसा मैंने आपको बताया ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है यहां पर जिसकी शुरुआत में की गई थी और ये यहां पर मदद करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है तकरीबन 5.6 मिलियन पैलेस्तीन रिफ्यूजी को जो कि रजिस्टर्ड है यू एन आरडब्ल्यू के पेलेस्तीन पैलेस्तीन एरिया जो है वो यहां पर अपने अगर थोड़ा सा आपको ग्लोबल लेवल के बारे में आइडिया है तो डेफिनेटली आपको पेलेस्तीन का मुद्दा जो है वो भी पता होगा पेलस्तीन जेरोसलम वगैरह वगैरह ये आपका जोर्डन लेबनन सीरिया वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग ईस्ट जेरोसलम एंड गाजा स्ट्रिप भी है टू अचीव फुल ह्यूमन डेवलपमेंट पोटेंशियल तो ये जो रेफ्यूजीज हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं रहते हैं जोर्डन लेबननन सीरिया वेस्ट बंगाल इनके भी रेफ्यूजीज यहां पर होते हैं जिनको यहाँ पर यू के तहत मदद दी जाती है ठीक है तो यह मदद यहां पर इस बार इंडिया ने कितनी की है ढाई मिलियन डॉलर की की है और टोटल अब तक कितनी कर चुका है इंडिया साढ़े बाईस मिलियन कर चुका है आपका 2018 से so, यूएनआरडब्ल्यू क्या है वो आपका इस लाइन में लिखा हुआ है एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी मदद रहा है दो मिलियन कब से कर रहा है, 2018 से कर रहा है. किसको यू एन आर डब्ल्यू एन आर डब्ल्यू क्या है? UNRW, के जंसी है, जुड़ी हुई है पैलेस्तीन रिफ्यूजी से सिंस नाइनटीन ठीक है उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में गई होगी बहुत इजी सी न्यूज है सिंपल सी न्यूज है कुछ ही क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चलिए अगले अगली न्यूज पे चलते हैं महाराष्ट्र टू सेट अप फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सो यहां पर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में क्या होने वाला है महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का यहां पर शुरुआत होगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई नई सी चीज़ नहीं है इस तरह के क्लस्टर पहले भी आ चुके हैं और ये स्पेसिफिक क्लस्टर क्या आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पर्टिकुलरली एक एरिया में यहां पर आपके बहुत सारे प्लांट एक एरिया में आ जाए और वो एक ही जगह पर रहेंगे तो एक समूह बन गया उनका एक एरिया बन गया तो उसको उन्होंने नाम दे दिया क्लस्टर सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि महाराष्ट्र के द्वारा बहुत ही जल्दी सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में कहां पर सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा आपका रंजन गांव फेज थ्री नियर पुणे सो so, पुणे के पास यहां पर रंजन गांव है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी 492.85 करोड़ रुपीस इसको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मीति है उसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें यहां पर टू करोड़ रुपीज यहां पर आपका इसमें से इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी पैसा जो है वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेट इंडस्ट्रियल एजेंसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये यहां पर बाकी पैसा मुहैया करवाएगी इसके इसी तरह से और भी ईएमसी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो यहां पर इंडिया में नोएडा में भी है तिरुपति में भी है कर्नाटका तमिलनाडु में भी है ये बहुत सारी जगह पर है जैसा मैंने आपको बताया कुछ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यहां पर इंडिया में ऐसा कुछ एस्टेब्लिश किया जा रहा है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पहले भी है और हां महाराष्ट्र में कुछ ऐसा पहली बार हो रहा होगा तो इसलिए यहां पर लिखा भी हुआ है दैट इज द फर्स्ट तो दिस महाराष्ट्र का फर्स्ट है आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है मीति यहां पर इसके अलावा हजार करोड़ रुपए यहां पर देगा किसके लिए सेमिकोन इंडिया फ्यूचर डिजाइन प्रोग्राम के लिए जो कि दिए जाएंगे यहां पर मिलकर काम करेगा सी डेक पुणे के साथ सी डेक पुणे के साथ मिलकर यहां पर आपका सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए काम करेगा हजार करोड़ रुपए मीति के द्वारा दिया जाएगा सो मीति के द्वारा हजार करोड़ रुपए दिया जाना है सी डेक पुणे की मदद से यह सेमी की एजेंसी जो है यह जो इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी सो एग्जाम पॉइंट से यहां पर क्वेश्चन फिलहाल क्या है एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में वहां का पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है रंजन गांव पुणे में है जहां पर वहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है रंजन गांव पुणे में यहां पर कितनी कोस्टिंग के साथ एस्टेब्लिश किया जा रहा है 492.85 करोड़ 492.85 करोड़ के अमाउंट से जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी 207.98 207.98 यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी टोटल अमाउंट 492.58 है जिसमें से 207.58 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी पैसा महाराष्ट्र के अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो यहां पर पैसा मुहैया करवाएंगे तो ये यहां पर महाराष्ट्र का क्लस्टर आया है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे और इस तरह के और भी बहुत सारे क्लस्टर हैं जिनमें यहां पर दूसरे राज्य शामिल हैं कर्नाटका हुआ तमिलनाडु हुआ नोएडा हुआ, राइट ये भी हैं और इसके अलावा एक और खबर आती है और वो खबर है यहां पर यहां पर पर सीडक पुणे मदद करेगा किसमें हजार करोड़ रुपए अमाउंट इन्वेस्ट करेगा मीति और वो इन्वेस्ट करेगा सीडक पुणे के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सीडक पुणे के साथ मिलकर मीति यहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है ठीक है उम्मीद करता तो ये न्यूज भी याद होगी कि फिगर जो है ये दो थोड़े से आपको मुश्किल होगी याद करने में लेकिन थोड़ा बार बार पढ़ोगे लिखकर याद करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा सारे उसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती जो न्यूज आपको याद नहीं होती जो फिगर आपको याद नहीं होता तो उसको लिखकर याद कर लिया कर करो तो हो सकता है आपको याद होना शुरू हो जाए ठीक है चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं अगली न्यूज आई है रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया अपना एक नया ब्रांड एथ लेजर ब्रांड एक्सलरेट ऑन एजियो बिजनेस एजियो बिजनेस यहां पर एक प्लेटफॉर्म है रिटेल ब्रांड का रिटेल बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म है यहां पर आपका रिटेल प्रोडक्ट सेल किया जाता है यहां पर टेक्सटाइल वगैरह गारमेंट्स वगैरह तो यहां पर आपका उसमें एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया रिलायंस ने अपना खुद का और यह ब्रांड है आपका एथलीट्स के लिए या फिर कह लीजिए स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है आपका स्पोर्ट्स वियर जो होते हैं आपके उनके लिए स्पेसिफिक एक ब्रांड लॉन्च किया गया नाम इसका रखा गया है क्या एक्सेलरेट एक्सेलरेट इसका नाम रखा गया है और ये एक्सेलरेट जो है रिलायंस का एक प्रोडक्ट है ठीक है और इस एक्सेलरेट के ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए हैं और वो ब्रांड एम्बेसिडर है हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेटर हैं आपके काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं इस वक्त काफ़ी चर्चा में रहे हैं आपके क्योंकि काफी अच्छी फॉर्म में भी हैं बढ़िया काम कर रहे हैं इंडिया के लिए खेल रहे हैं सो हार्दिक पांड्या को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और एक्सेलरेट विल कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंथुजियास्ट सीक्स स्टाइल एंड कंफर्ट इन दियर फिटनेस जर्नी ओके सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर रिलायंस रिटेल ने हाल ही में अपना एक नया एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड लॉन्च किया है नाम क्या उसका एक्सलरेट उसका नाम है कहां पर लॉन्च किया एजीओ बिजनेस जो उनका एक रिटेल ब्रांड है जो उनका टेक्सटाइल ब्रांड गार्मेंट्स ब्रांड है उनमें लॉन्च किया स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ये है एक्सलरेट ये लॉन्च किया किसको बनाया गया उनका ब्रांड एम्बेसिडर हार्दिक पांड्या को उनका ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है इंडिया क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं हार्दिक पांड्या बैट्समैन और बॉलर है ऑलराउंडर है अगली खबर पे चलते हैं अगली खबर पे चलने से पहले एक जरूरी सूचना मैंने कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक पिन किया है एक कमेंट जो कि है मेरा एक रिवीजन कोर्स जो कि अन अकेडमी पे आ रहा है कल से शुरू हो रहा है कल एक बजे उसमें मैंने अभी फिलहाल आपके लिए छह क्लासेस रखी हैं इन छह क्लासेस में आपको पूरी पूरी अक्टूबर मंथ की करंट अवेयर्स की रिवीजन कराऊंगा सितंबर तक की करंट अवेयर्स की रिवीजन मैं ऑलरेडी एन अकेडमी प्लस पे मेरा कोर्स था जो आरआरबी पीओ के टाइम मैंने किया था उस टाइम मैं करवा चुका हूं आपको ठीक है और इस बार मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं क्या करवाने वाला हूं इस बार मैं आपको यहां पर अकेला अक्टूबर मंथ की करंट अवेयर्स केवल और केवल अक्टूबर मंथ की हम करंट अवेयर्स फोकस करेंगे और वो छह क्लासेस में आपको पूरी पूरी रिवीजन जो है डिटेल में जिस तरह से यहां पढ़ाता तो वैसे ही डिटेल में बस थोड़ी सी स्पीड थोड़ी तेज रहती है उसमें रिविजन कोर्स रहता है तो वो कराऊंगा तो कल से एक बजे जुड़ना मत भूलिए अगली छः दिन छः क्लासेस उसमें रहेंगी उन कोर्स को एंड होने के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यूज का एक कोर्स लेकर आऊंगा प्लस पे ही एन प्लस पे जिसमें मैं आपको पिछले छः महीने के बहुत सारे ढेरों एम सी हज़ारों एम हम करेंगे जो कि आपके आई बी पी एस के रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे आपके टेस्ट फॉर्म में वो रहेंगे वो भी यहाँ पर जैसे ही कोर्स एंड होगा वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा उसकी टाइमिंग भी एक बजे रहेगी तो क्लिक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिएगा कोर्स को और कल से एक बजे आना मत खुला कीजिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने साइन किया एक एग्रीमेंट किसके साथ आईआईटी कानपुर के साथ आईआईटी कानपुर आई आई इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउर के साथ सो so, यहां पर ये एग्रीमेंट साइन किया है इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसने किया है ये साइन किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ ओके okay. सो so, यहां पर आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ साइन किया है Uh, किसने आईआईटी कानपुर आईआईटी माइंस धनबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउर के, के साथ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर एट दीज इंस्टीट्यूशन सो ये बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर क्या है बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर है आपका क्या एक पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट इन तीनों के तीनों ऑर्गेन इंस्टीट्यूट में यहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा जिस तरह से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का काम किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यहां पर हर एक तरह के प्रोडक्ट को यहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेशन देते हैं कि हां ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये स्टैंडर्ड है ये बढ़िया क्वालिटी का है और इस मापदंडों के अनुरूप जो हमारे भारतीय सरकार के मापदंड है उनके अनुरूप ये प्रोडक्ट काम का करेगा तो ये बी जो है अब बी का से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट यहां पर इन तीनों इंस्टीट्यूट में एस्टेब्लिश किया जाएगा तो इन तीनों इंस्टिट्यूट्स में यहां पर एक क्वालिटी को क्वालिटी पर्पज के यहां पर आपका ताकि वहाँ के जो आ, प्रोफेसर्स हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मापदंडों से रूबरू करवाया जा सके उनको स्टैंडर्ड्स जो भी हमारे भारतीय स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रूबरू करवाया जा सके उसके बारे में बताया जा सके और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें करिकुलम में भी आपकी डाली जा सके सो फिलहाल आपका आई कानपुर आपको याद रखना है आई आई टी यहाँ पर माइंस हैदराबाद आपको याद सॉरी धनबाद आपको याद रखना है और तीसरा है एन आई टी राउर कानपुर धनबाद और राउरकेला कानपुर में आईआईटी है तीनों अलग अलग है आईआईटी जो है वो कानपुर का है दूसरा यहां पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस माइंस है धनबाद में है और तीसरा यहां पर राउरकेला में एनआईटी है तीनों इंस्टीट्यूट के साथ टाइप हुआ है बी का और जो मैंने आपको बताया दैट इज रे टीचिंग के पर्पज से रिसर्च के पर्पज से इस फील्ड में इस पर्टिकुलर बी आई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के फील्ड में यहां पर करवाया जाएगा काम और इसके साथ टाइ अप तो एग्जाम पॉइंट सिवर ऑफ जीरो तीनों के इंस्टीट्यूट के नाम आपको याद होने चाहिए ये तीनों इंस्टीट्यूट यहां पर आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ आप टाइप करेंगे सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आईआईटी कानपुर धनबाद और राउरकेला ये तीनों के दोनों नाम याद रखने हैं बस इसमें इतना ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तीनों के तीनों क्वेश्चन कानपुर धनबाद राउरकेला अगली खबर पे चलते हैं आ, बाइट एक्सल ने साइन किया एमओयू माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉर दी एच आर स्किलिंग सो एच आर स्किलिंग यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सो so, हैदराबाद की कंपनी है एडिटेक कंपनी है बाइट एक्सल नाम की इसने एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जिसके तहत यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कुछ नई टेक्नोलॉजीज में सो ओके सो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ये एक ऐसा कोलेब्रेशन है जो कि यहाँ पर दिया गया है एक करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बाय 2025, सो दो तक एक करोड़ लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में यहाँ पर आपका ये एक नेशनल विजन है एक पूरे नेशनल लेवल पे एक विज़न है ये इनका विजन नहीं है कि भाई ये एक करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2025 तक प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग देंगे लोगों को बाईटेक्सल देगा माइक्रोसॉफ्ट का नहीं ये उसका एक पार्ट है जो एक नेशनल विजन एक सोचा गया है कि सरकार ने कहा है कि इतना होना चाहिए तो उसमें एक के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा सो विल विल लीड ट्रेनिंग प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एफर्ट विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स वगैरह यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट मुहैया करवाएगा तो एग्जाम पॉइंट इज सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनेगा बाइट एक्सल ने हाल ही में किसके साथ एग्रीमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट किया जिसके तहत वो यहां पर ट्रेनिंग मुहैया करवाएंगे इंटर्नशिप मुहैया करवाएंगे लोगों को एच के फील्ड में और इसके लिए जो सारा का सारा जो काम करेगा वो बाईट एक्सल करेगा और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मुहैया करवाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय दी बाई विल बी प्रोवाइडेड बाय दी यहाँ पर आपकी दैट इज दी माइक्रोसॉफ्ट ओके सो माइक्रोसॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाईट एक्सल जो है वो ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा राइट सो दिस हैज़ बिन डन बाई ट साइन एम विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर दी एच स्किलिंग अगली खबर पर चलते हैं अगली न्यूज यहां पर आई है गेल से सो गेल ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है एडीएनओसी के साथ एल एन जी सप्लाई के लिए एल एन जी क्या है लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए गेल ने धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ यहां पर टाइप किया ए डी एन ओ सी आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी है जो जिसके साथ इन्होंने टाइप किया और इसके साथ मिलकर यहां पर क्या करेंगे जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई और डी कार्बनाइजेशन के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे तो एग्जाम पॉइंट से सिंपल सा एक ही लाइनर है आज थोड़ी न्यूज अभी तक जो आई है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई है छोटी छोटी न्यूज ही है इसमें भी बस इतना ही याद रखना है गेल इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया ए एन डी ओ सी ए एन डी सी क्या है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे ये दोनों मिलकर लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फील्ड में जो सप्लाई है उसकी उस पर्पज से यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करेंगे सो गेल इंडिया मिलकर काम करेगी धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फील्ड में ठीक है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फील्ड में धाबी नेशनल कंपनी गेल इंडिया के साथ ठीक है चलो अगली खबर पे चलते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम सो यहाँ पर एक और एक्सरसाइज यहाँ पर आती हुई रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है यहां पर उनके द्वारा एक यहाँ पर कह सकते हैं एक आ, एक एक्सरसाइज बाकी सारे काफी सारे देशों के साथ कंडक्ट की जाती है और उस पूरी पूरे एक्सरसाइज को उनकी तरफ से जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है इंडो पैसिफिक एंडेवर सो इंडो पैसिफिक एंडेवर के तहत यहाँ पर जो कि 2022 हजार बाईस इस साल का जो एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022 के एक्सरसाइज के अनुसार आ, के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लोग जो इंडिया आ, जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है ये यहाँ पर अलग अलग देशों में पहुंचती है और उनके साथ एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है और इसी आ, इसी सीक्वेंस में यहाँ पर इंडो पैसिफिक एंडवर के तहत ही यहाँ पर रो तो आपको आइडिया लग रहा होगा ये कि सारे के सारे देश जो हैं ये यहाँ पर आपका इंडिया से सदन देश हैं सदन जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है ऑस्ट्रेलिया और के इंडिया के बीच में अगर मैं ग्लोब की बात करूं पूरा पूरा मान लीजिए इंडिया यहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो ये सारे के सारे देश बीच में मालदीव इधर आ जाएगा तो ये सारे श्रीलंका नीचे आ जाएगा तो ये सारे के सारे देश इस एरिया में है पैसिफिक रीजन में यहां पर एरिया में है सारे के सारे तो यानी कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया यहां से चलेगा चलेगा तो रस्ते में सारे के सारे देश आते रहेंगे आते रहेंगे मालदीव के लिए थोड़ा इधर जाना पड़ेगा और फिर लास्ट में इंडिया पहुंच जाएंगे ठीक है तो ये एक इंडिया पैसिफिक एंडेवर जिसके तहत रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी चलती है और फिलहाल वो चलती है और फिलहाल वो विशाखापट्टनम में आई हुई है इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करने 2022 जो ऑस्ट्रेलिया का एक की रीजनल एंगेजमेंट इनिशिएटिव है जिसमें

कि चौदह कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर मिलकर बार बार उन कंट्रीज़ में विजिट करती है और वहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट करती है उस पूरी पूरे ओवरऑल एक्सरसाइज का नाम क्या उसका एक्सरसाइज का नाम है इंडो पैसिफिक एंडेवर इंडो पैसिफिक एंडेवर उसका नाम है पहली चीज़ तो ये इंडो पैसिफिक एंडेवर के तहत यहाँ पर आपका कौन सा जो नेशन है वो एक्सरसाइजेज कंडक्ट करना है अलग अलग चौदह कंट्रीज के साथ राइट आंसर रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी रहेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया रहेगा रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी इंडो पैसिफिक एंडवर के तहत कितनी कंट्रीज़ के साथ अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है तो उसका आंसर चौदह रहेगा चौदह कंट्रीज के साथ करता है उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर वही है बस वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो रही है नथिंग एल्स so, तीन तरह अलग अलग के क्वेश्चन बनेंगे आंसर वगैरह वही है किसी का क्वेश्चन में आंसर किसी का आंसर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से क्वेश्चन आंसर वही है फ्रेमिंग चेंज है और हाँ एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इंडियन नेवी के बारे में इंडियन नेवी के यहां पर जो फिफ्टी फोर्थ इन्फेंट्री डिविजन है और स्पेशल जो इंडियन नेवी की मार्कोस मैरिन कमांडो जो है ये दोनों यहां पर शामिल होंगे इसमें सो फिफ्टी फोर्थ इन्फेंट्री डिवीजन और मैरिन कमांडो जो हैं इस एक्सरसाइज़ में दोनों के दोनों विशाखापट्टनम में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ यहाँ पर शामिल हो गए और इंडो पैसिफिक एंडवर्स की जो उनकी एक्सरसाइज है उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे जो कि वो चौदह कंट्रीज़ के साथ करती है जिसकी शुरुआत उन्होंने सेप्टेंबर में की थी और एंड वो नवम्बर में करने वाले हैं इसमें जो देश हैं चौदह के चौदह उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं कोशिश कीजिएगा याद होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नाम याद करना मुश्किल नहीं है क्यों मुश्किल नहीं है क्योंकि एक साथ चिपते हुए देश है नेबरिंग कंट्रीज है सारे साथ नीचे से चलोगे तो ऊपर आते, आते 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 आप इंडिया तक पहुंच जाओगे सभी नेशंस एक दूसरे कहीं ना कहीं से जुड़े हैं बीच में आइलैंड नेशंस हैं ठीक है मानता हूं लेकिन एक ही एरिया में एक ही रेंज में है तो अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया नेशंस के कंट्रीज के नाम याद हैं या फिर आशियन नेशंस के नाम याद हैं तो डेफिनेटली आप इसको भी इजिली याद कर पाओगे ठीक है तो ये हैं आपके कुछ नाम इंडो पैसिफिक एंडवर के तहत ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ चलिए आगे चलते हैं हम अगले है एक और ब्रांड एम्बेसिडर और यह ब्रांड एम्बेसिडर है इस बार ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन बॉलीवुड सितारे बॉलीवुड एक्टर यहां पर प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर आपका बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को उनका ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है इसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ उनका एक कैंपेन है आपका साथी आपका सारथी यहां पर इस कैंपेन के तहत यहां पर इनको रखा गया और इसकी कैंपेन को आगे प्रमोट करेंगे ऋतिक रोशन यहां पर आपके प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर ऋतिक रोशन इज गोइंग टू तो बिकम ब्रांड एम्बेसडर राइट चलिए अगली खबर पे चलते हैं बांग्लादेश ने यहां पर फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर दिया है एडवर्ड एम कैनेडी को एडवर्ड एम कैनेडी को यहां पर फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर दिया गया है एडवर्ड एम कैनेडी एडवर्ड एम कैनेडी यहाँ पर दिए गए हैं ये एडवर्ड एम कैनेडी कौन थे जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया एडवर्ड एम कैनेडी के बेटे को और जो ये मतलब कहते हैं ना कई बार हम आपने सुना होगा विदेशों में नॉर्मली ऐसे नाम होते हैं इंडिया में ऐसे नाम नहीं होते है ना विदेशों में होता है कि नाम लिख दिया एडवर्ड एम कैनेडी जैसा एक नाम उसके पिताजी का नाम सीनियर और उसके बेटे का नाम जूनियर है ना आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा तो वही चीज है यहां पर एडवर्ड एम कैनेडी सीनियर जो थे उनको यह प्राइज दिया गया है और यह प्राइज उनको उनको नहीं दिया गया क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है उनके बेटे को दिया गया है जो कि जिनका नाम है एडवर्ड एम कैनेडी जूनियर अब एडवर्ड एम कैनेडी कौन थे एडवर्ड एम कैनेडी यहां पर आपके यूएसए के एनवॉय थे बांग्लादेश में ठीक है यूएसए के एनवॉय एंबेसडर थे यहां पर बांग्लादेश में और जब यूएसए जब यहाँ पर 1971 की वॉर हुई थी जिसमें इंडिया ने यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी दैट 1971 का जो लिब्रेशन वॉर जिसको कहते हैं वहाँ की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग जो कहते हैं उस वक्त यहाँ पर यह कहा जाता है कि यू आर्मी ने यू आर्मी नहीं कहूँगा यूएसए ने काफ़ी मदद की थी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए लेकिन जो एडवर्ड एम कैनेडी थे उन्होंने यहां पर आ, कोशिश की कि बांग्लादेश की के जो पाकिस्तान को मदद पहुंचाई जा रही है यूएसए के तरह वो ना पहुंचे वो ना पहुंच पाए और उसके लिए उन्होंने वो साथ दिया किसका बांग्लादेश का साथ दिया उन्होंने और इसी के लिए उनको यहां पर सम्मानित किया गया फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से और यह दिया गया सम्मान बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी ने यहां पर प्रेस्टीजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर दिया गया पूर्व यूएस सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी पोस्टमसली इन ढाका में इन कंट्रीब्यूशन टू लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कैनेडी ने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर स्टैंड लिया था स्ट दी जेनोसाइड जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया था बंगाली लोगों के ऊपर जबकि यूएस गवर्नमेंट यहां पर उस वक्त यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी आपका पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पर और कैनेडी वर्क हार्ड टू स्टॉप यूएस मिलिट्री को रोकने के लिए उन्होंने काफी मदद की एंड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान टिल द एंड ऑफ वर शी रिकॉल्ड दैट कैनेडी विजिटेड उन्होंने विजिट किया रेफ्यूजीज कैंप को वेस्ट बंगाल में जहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान से यहां पर आए थे ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी से बच सकें तो ये उनके बेटे हैं जिनको यहाँ पर पाकिस्तान की शेख हसीना वाजे जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया है सो तो शेख हसीना जी के द्वारा सम्मानित किया गया आपका सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी के सुपुत्र एडवर्ड एम कैनेडी जूनियर को ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय परिधान में नजर आती हुई इनकी पूरी की पूरी फैमिली साड़ी कुर्ता ट्रेडिशनल ड्रेसेस ओके सो बांग्लादेश फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन आर्मी नाम याद रखना है ओके okay, बस दैट्स इट बाकी हिस्ट्री पढ़ लेना याद करने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है अगली न्यूज है यहां पर ये न्यूज ऑलरेडी हम इस न्यूज के बारे में बहुत कुछ महीने पहले पढ़ चुके हैं जब ये चीज अनाउंस की गई थी अभी फिलहाल ये जो अवार्ड है वो दिया जा चुका है ठीक है आप अगर रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले मैंने ये न्यूज़ करवाई थी जिसमें तब अनाउंसमेंट हुआ था अब ये अवार्ड दिया जा चुका तो इसलिए एक रिवीजन हो रही है हमारी कि अब दिया जा रहा है तो हो सकता है वो न्यूज़ काफ़ी सत महीने पहले आई हो तो वो छः महीने के प्रव्यू से बाहर ना हो जाए तो आप फिर कहते हो तो सर इतनी पुरानी न्यूज़ कैसे पूछ ली वो कई बार बाद में दोबारा से चर्चा में आ जाती है तो इसलिए पूछ लेते हैं तो फिलहाल आप इन एक्टर को जानते होंगे साइड में इनकी पिक्चर है पुनीत राजकुमार काफ़ी फेमस एक्टर यहाँ पर कर्नाटका के और इनका पिछले साल उनतीस अक्टूबर को यहाँ पर निधन हो गया था आपका हार्ट अटैक की वजह से और इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है कर्नाटका रत्ना अवॉर्ड से फिलहाल यहाँ पर लेट एक्टर पुनीत राजकुमार ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका कर्नाटका का जो कि दिया जाता है कर्नाटका स्टेट के द्वारा और इससे पहले केवल नौ बार ही दिया जा चुका है और इससे पहले अगर दिया गया है तो दो में दिया गया था दो में ये अवार्ड दिया गया था डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को उसके बाद ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था और अपार्ट फ्रॉम हेगड़े पुनीत जी के फादर जो है डॉक्टर राजकुमार जी जो थे वो यहां पर सबसे पहले उनको ये अवार्ड मिला था 1992 1992 में so, 1992 में सो ये अवार्ड उनके पिताजी को दिया गया था जो कि सबसे पहले कर्नाटका स्टेट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था और अब आपके 2009 के बाद 13 साल के बाद तकरीबन है ना 13 साल के बाद ये अवार्ड पुनीत राजकुमार जी उन्हीं के सुपुत्र को दिया गया है काफी एक फेमस एक्टर कर्नाटका से यहां पर और एक्टर पुनीत राजकुमार इनका निधन उनतीस अक्टूबर दो को हुआ था ओके okay, सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन इनका नाम ऑब्वियस है जानते हैं सभी लोग नाम किसके द्वारा कर्नाटका के द्वारा हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पहला अवार्ड किसको दिया गया था लास्ट अवार्ड किसको दिया गया था ओके ये इंपॉर्टेंट है लास्ट अवार्ड और पहला अवार्ड भी ये भी एग्जामिनर इक्वलेंट इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना इनका नाम उतना ही इंपॉर्टेंट इनका नाम इतना ही इंपॉर्टेंट इनका नाम क्योंकि काफी टाइम गैप के बाद ये अवार्ड दिया गया है इसलिए ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाला और ये वाला ये तो उनके पिताजी हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल सो यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल यहां पर दिए गए हैं दो के लिए सिक्सटी पुलिस ऑफिसर्स को सो यहां पर होम मिनिस्टर के द्वारा यहां पर पुलिस मैन को यहां पर अवॉर्ड दिए जाते हैं सम्मानित किया जाता है और इस बार यहां पर 63 पुलिस ऑफिसर को यहां पर सम्मानित किया गया और यह अवार्ड यहां पर दिया गया है अलग अलग जगह से तेलंगाना से भी थे पंजाब महाराष्ट्र यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एज वेल एज दिल्ली यहां के जो पुलिस ऑफिसर्स थे इनको अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड उनको चार स्पेशल ऑपरेशन के लिए दिया जाता है फाइट अगेंस्ट करप्शन सॉरी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म बॉर्डर एक्शन आर्म्स कंट्रोल कंट्रोलोटिक स्मगलिंग प्रिवेंशन रेस्क्यू ऑपरेशन इन सभी चीजों में अगर किसी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके का काम किया है पुलिस 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 में उनको यहां 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 पर 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 ऑफिसर्स को अवार्ड दिया जाता तो यहां पर 63 ऑफिसर्स के नाम याद करना तो पॉसिबल है नहीं ऑब्वियस है तो आप सिर्फ नंबर याद रखेंगे कितने नंबर सिक्सटी किसके द्वारा दिया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया कितने पुलिस ऑफिसर को सिक्सटी पुलिस ऑफिसर को दिया गया और चार कैटेगरी कैटेगरी तो नहीं कहूंगा चार पैरामीटर्स के

ओके लेट्स कंटिन्यू उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे पहले भी बहुत बार न्यूज आ रही है मतलब हर एक पंद्रह दिन बाद ये न्यूज मैं देखने को मिलता हूं ठीक है जिसमें मैक्स वर्सपेन का नाम ही सारी जगह आपको दिखेगा सारी जगह सिर्फ चार्ल्स लेकर तीन में आ गए सरजियो पैरेज आपके दो तीन में सर्जियो पैरेज होंगे एक यहां पर एक यहां पर दो में है चार्ल्स बाकी में है बाकी सारे मैक्स वर्सपेन है दैट्स इट ठीक है आगे चलते हैं स्पेस एक्स ने लॉन्च किया अपना पहला हैवी मिशन आफ्टर थ्री तीन सालों बाद यहां पर इन्होंने अपना एक मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया और दुनिया का सबसे पावरफुल एक्टिव रॉकेट लिफ्टेड ऑफ उफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन थ्री फ्लोरिडा के कैपे कैंडरबोल से एलॉन, आ, एलॉन मस्क की कंपनी ने यहां पर आपका सेटेलाइट भेजी है यूएस स्पेस फोर्स की यूएस स्पेस फोर्स यूएस स्पेस फोर्स आप सोच रहे हो सर है यूएसए में स्पेस फोर्स है लास्ट ईयर यहाँ पर एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में यू एस यहाँ पर जो नेवी वगैरह होती है आर्मी है एयरफोर्स है उसके अलावा उन्होंने अपनी स्पेस फोर्स भी बना ली है ठीक है और इसी के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ रोज़ पहले चर्चा की थी एक इवेंट में वो उसके ऊपर बात कर रहे थे स्पेस फोर्स एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि बनाई जानी चाहिए तो इंडिया भी शायद उस तरफ आपको बहुत ही जल्दी कदम बढ़ाता हुआ नज़र आए ठीक है तो इसमें भी कैरियर बहुत अच्छा है स्पेस में फोर्स सोचने वाली बात है है ना तो हैवी ये जो है इन्होंने यहाँ पर कुछ क्लासीफाइड पेलोड्स क्लासीफाइड पेलोट्स मतलब कुछ सीक्रेट चीज सीक्रेट पेलोड्स यानी कुछ ऐसी सैटेलाइट जो कि यहाँ पर रिवील नहीं की जा सकती हैं आपकी यहाँ पर आ, रिवील या रिलीव रिलीव या रिवील कौन सा सही होगा मैंने सेंटेंस बोला कि ऐसी कोई सेटेलाइट जिनके बारे में कोई भी चीज रिवील नहीं की जा सकती या फिर कोई भी चीज़ रिलीव नहीं की जा सकती कौन सा सही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ओके सो यहां ट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो स्टेशनरी मैंने पहले भी बहुत बार बताया जियो स्टेशनरी एक पोलर ऑर्बिट होता है एक जियो है ना एक यहां पर धरती धरती के साथ साथ चक्कर लगाता है और एक जगह पर स्थिर रहता है है ना धरती के साथ चक्कर लगाता लगाता और एक ऐसे पोलर की तरफ सो so, ये यहां पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है फॉर द यूएस स्पेस फोर्स ऑन अ मिशन जिसका मिशन है यूएसएस एफ फोर्टी इस मिशन के तहत यहां पर आपका ये सैटेलाइट यहां से पर भेजी गई हैं ये चौथा लॉन्च है स्पेस एक्स का हैवी का और ये पहली बार जून 2019 में भेजा गया था और अब ये यहां पर तीस तीन साल के बाद स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है जहां से बेसिकली ये फेमस हुए थे जहां से ये शुरुआत की थी उन्होंने करियर की कह लो है ना करियर तो बहुत अंचा करियर तो क्या कहूँगा मतलब एक नॉर्मल शब्द है उनके लिए कैरियर सो एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स ने भेजा पहला फैलकन हैवी मिशन आफ्टर तीन साल के बाद राइट ओके रिवील चलो ठीक है चलो अच्छी बात है सही बताए तो <laughs> 2022 AP7 बाईस ए पी सेवन न्यू पोटेंशली हजारडस एस्ट्रॉयड डिस्कवर सो यहाँ पर एक एस्ट्रोयड है जो कि डिस्कवर किया गया है एक बहुत ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा कह लो है ना जरूरत से ज्यादा बड़ा जो कि यहाँ पर डेढ़ किलोमीटर चौड़ाई में है एस्ट्रॉय नेम्ड दी 2022 AP7 उसको नाम दिया गया ऑफ अर्थ क्रिएटिंग स्मॉल चांस फार इन फ्यूचर फॉर अ कैटास्ट्रोफिक कॉलेज मतलब नजदीक से गुजरा है यहां पर और ये माना जा रहा है हो सकता है फ्यूचर में यहां पर धरती से टकरा जाए इट वॉज फाउंड अलोंग विद टू अदर नियर अर्थ एस्ट्रॉइड यूजिंग हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि विक्टर एम ब्लैंको टेलीस्कोप चाइल में चाइल यहां पर आपकी साउथ अमेरिकन यहां पर कंट्री सो विक्टर एम ब्लैंको टेलीस्कोप चाइल में है यहां पर आपका इसके द्वारा ये फाउंड किया गया ये एस्ट्रॉइड जो कि धरती के काफी नजदीक से निकला है नाम क्या है आपका 2022 एपी सेवन इसका नाम रखा गया है ठीक है चलो अगली खबर नासा ने हाल ही में आपका एक रिवील किया है किसको मुस्कुराते हुए सूरज को मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं है ना मुस्कुराइए आप सूरज के पास हैं तो इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं सूरज का चेहरा दो आंखें और बीच में एक चेहरा मुस्कुराता हुआ आपको दिख रहा है ये सूरज महाराज आपके काफ़ी खुश थे है ना इन दिनों में उन्होंने कहा पहले काफ़ी नाराज थे काफ़ी गर्मी चल रही थी क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो इसलिए नाराज़ थे इतनी गर्मी थी अब थोड़ा उनको लग रहा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते रहे आ रहे हैं तो बच्चों ने पढ़ना शुरू दोबारा से कर दिया है तो इसलिए थोड़ा सा उनको इनकेज़ करने के लिए हम मुस्कुरा दें और इसलिए सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं तो ये सूरज का मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख सकते हैं और नासा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको अभी हाल ही में दिखाया कैप्चर्ड बाय द नासा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द इमेज हैज डार्क पैचेस ऑन सन सरफेस रिजेंबलिंग आईज एंड स्माइल सो बेसिकली ये कुछ डार्क पैचेस हैं जो कि सूरज के ऊपर यहां पर आपको दिखाई दिए हैं सूरज में आपको दिखाई दिए हैं डार्क पैचेस जो कि एक तरह से आंखें दो आंखें बना रही है और एक स्माइलिंग स्माइल बना रही है नासा ने एक्सप्लेन किया बेसिकली ये जो पैचेस हैं इनको कोरोनल होल्स कहते हैं इनको कोरोनल होल्स कहते हैं जो कि यहाँ पर अल्ट्रा वॉलेट लाइट में यहाँ पर दिखाई देते हैं लेकिन इनविजिबल मतलब कि नॉर्मल आंखों से आप देखेंगे आपको नहीं दिखाई देंगे अल्ट्रा वॉलेट लाइट में दिखेंगे आपको और कोरोनल होल्स जो है वो बेसिकली ऐसा रीजन है सूरज की सतह पर जहां पर आपका जो सोलर विंड है वो यहां पर स्पेस से बाहर स्पेस की तरफ भागती हैं और वो एक रास्ता बना देती हैं एक एरिया बन जाता है टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है उस एरिया में तो इसलिए वो एरिया जो है वो डार्क थोड़ा सा दिखाई देने लग जाता है तो ये एग्जाम पॉइंट से इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं पहला क्वेश्चन कि हाल ही में यहां पर सूरज की सतह पर नासा के द्वारा कुछ इमेजे दिखाई गई हैं उन इमेजेस को यहां पर एक स्माइल का चेहरा देखने को मिला है उन इमेजेस को बेसिकली वो किस इफेक्ट की वजह से यहां पर हुई हैं उनको क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है कोरोनल होल्स ओके या फिर पूछ सकता है कोरोनल होल्स क्या है तो कोरोनल होल्स शब्द जो है ये इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना किसके द्वारा नासा नासा की कौन सी ऑब्जर्वेटरी के द्वारा नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट वैसे ही रेफरेंस के के लिए और okay, सो so ये पूछ सकते हैं या तो कोरोनल होल्स का नाम पूछेंगे फाइनली कि कौन क्या बोलते हैं उसको कोरोनल या कोरोनल होल्स क्या है किससे संबंधित है सूरज से संबंधित है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो अच्छे से याद रख लीजिएगा ओके okay. सो so, चलिए आगे चलते हैं नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर छत्तीसगढ़ में यहां पर आयोजित किया गया तेईसवा स्टेट फाउंडेशन डे एक नवंबर को छत्तीसगढ़ का था उसी मौके पर रायपुर ने होस्ट किया तीसरा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल नेशनल लेवल का ट्राइबल डांस फेस्टिवल था इसमें बहुत सारे ट्राइब्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और इवन अदर कंट्रीज के ट्राइब्स भी वहां पर आए गए थे मंगोलिया टोंगो रशिया इंडोनेशिया मालदीव और मोजम्बिक ये कंट्रीज के ट्राइब्स भी वहां पर मौजूद थे और बाकी देश बाकी स्टेट्स के ट्राइब्स भी वहां पर मौजूद थे और ये था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में यहां पर आयोजन किया गया हाल ही में इसका एक से तीन नवंबर के बीच में सो कहां पर आयोजित किया गया यह पूछा जा सकता है रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है और कौन कौन से देश के यहां पर मौजूद थे लोग वहां पर मौजूद थे यहां पर आपका मंगोलिया टोंगो रशिया इंडोनेशिया मालदीव और मोजम्बिक के अगली खबर कश्मीर ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया सेफरन फेस्टिवल फॉर थ्री डेज केसर बहुत ही महंगा एक प्रोडक्ट यहां पर आता है और केसर इसके लिए यहां पर एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया सेफरन फेस्टिवल फॉर थ्री डेज एवरी अक्टूबर थ्रू नवंबर द टाउन ऑफ पेम्पोर जो है पेम्पोर काफी फेमस इलाका है जहां पर केसर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है ग्रो होती है वहां पर एग्री वहां पर इसको किया गया है आपका सेलिब्रेट टू ग्रोवर्स इन मार्केटिंग ओके सो यहां पर असिस्टेंट दिया जाएगा यहां पर मार्केटिंग देर क्रॉप सिमिलरली हाउस बोट फेस्टिवल भी यहां पर किया गया है टू सेलिब्रेट एंड यूनिक रोल शिकाराज है प्लेड इन पुटिंग कश्मीर एट टॉप ऑफ एवरी ट्रेवलर मस्ट विजिट लिस्ट तो यहां पर आपका शिकारा जो है हाउस बोट ये शिकाराज हाउस बोट तो क्या कहूंगा हाउस बोट फेस्टिवल है इस तरह के बड़े बड़े जो पीछे हैं ये तो हाउस बोट्स होती हैं ठीक है ठीका? और ये आपके शिकारा जो होते हैं यही आप जब डल लेक में आप जाते हैं वहां पर आप घूमते हैं है ना तो डल लेक में फेस्टिवल वो शिकारा कहते हैं बोट्स को वहां पर इन पुटिंग कश्मीर एट दी टॉप ऑफ एवरी ट्रेवलर्स मस्ट विजिट लिस्ट सो विस्ट विजिट लिस सेफरन फेस्टिवल कहाँ पर पेम्पोर आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है सैफरन केसर ठीक है केसर कहते हैं हिंदी में डल लेक में एक हाउस बोट फेस्टिवल भी आयोजित किया गया हा ओके सो ट्विटर को यहां पर टेक ओवर करने के बाद एलोन मस्क ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि जो वेरीफाइड बैज है आपने ट्विटर का भी इस्तेमाल किया होगा तो ट्विटर में या कोई भी आप चीज इस्तेमाल करते हो यूट्यूब ही आ कर लीजिए इंस्टाग्राम ही आप कर लीजिए तो वहां पर बहुत सारे नामों के आगे एक बैज लगा होता है सा लगा होता है एक तो ट्विटर में वो टिक जो होता है ब्लू कलर का होता है जिसका मतलब ये एक रिकॉग्नाइज अकाउंट है यानी कि ये जो अकाउंट है वो सही अकाउंट है वेरीफाइड अकाउंट है मान लीजिए नरेंद्र मोदी का अकाउंट है तो उनके ट्विटर का अकाउंट उनके आगे बैच लगाओ तो इसका मतलब ये ओरिजिनल नरेंद्र मोदी जी का ही अकाउंट है और ये वेरीफाइड है यानी कि अगर कोई और आपको ट्विटर अकाउंट मिलता है सेम नाम से नरेंद्र मोदी जी के नाम से उसके आगे वो बैच नहीं लगा तो यानी कि ये अनवेरीफाइड अकाउंट है यानी कि नरेंद्र मोदी जी का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है तो ऐसे जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं वो यहां पर अप्लाई करते हैं अपने एक वेरीफाइड अकाउंट के लिए ताकि उनके अकाउंट की जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहे डुप्लीकेसी जो है वो ना हो पाए तो इसीलिए यहां पर वेरीफाइड बैच जो है अगर आपको लेना है तो ट्विटर वालों ने यानी कि एलोनमस भाई साहब ने क्या कर दिया है उन्होंने कहा कि आपको आठ डॉलर पर महीना देना पड़ेगा हमें आठ डॉलर लगेगा आपका विच इज अबाउट छह सौ साठ रुपए यहां पर आपका और द वेरीफाइड बैच विच इज असेंशली अ ब्लू टिक मीन्स ट्विटर हैज कन्फर्म दैट अकाउंट बिलोंग्स टू अ पर्सन और अ बिजनेस क्लेमिंग इट द सर्विस इज फ्री फॉर ऑल करंट एंड इट विल बी फर्स्ट टाइम दैट यूजर्स को यहां पर फीस पे करनी पड़ेगी और एलन मस्क ने यहां पर कहा कि ये जो ब्लू टिक हमने दिया है इसके लिए अब यहां पर आपको कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे कुछ सर्विसेज वो कहते हैं आप अपनी आ, अपनी पोस्ट जो है वो लंबी वीडियोस पोस्ट कर सकते हो कुछ ऐसी चीजें जो पहले देख सकते हो कुछ स्पैम्स एडवर्टीजमेंट जो आती है उनसे अवॉइड हो सकते हो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने उस सर्विस के बदले में आठ डॉलर अगर आप देते हो तो हम सर्विसेज भी आपको एक्स्ट्रा देंगे तो फिलहाल ये एक कमाई का जरिया आठ डॉलर पर मंथ ट्विटर ने वेरीफाइड बैच के लिए दिया है और जिनका वेरीफाइड बैच होता है उनको आई डोंट थिंक आठ डॉलर देने में कोई दिक्कत होने वाली है ठीक है उनके लिए कोई दिक्कत होने वाली क्या बशर्ते उनको कुछ आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएंगी कुछ चीज़ें आपको उनको मदद मिलेगी ठीक है उससे उनके अकाउंट को और अच्छा रीच मिलेगा आपका ठीक है तो ये है आठ डॉलर आपका दिया जाएगा ओके सो तो एक महीने में आठ डॉलर आपको देना है तकरीबन जो भी वो रुपए में तो क्या कन्वर्ट करोगे वो तो ऐसे दे रखा है आप जो साठ डॉलर याद रखिएगा घाना टू तो एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके परमानेंट मेंबर यहां पर पांच है चाइना फ्रांस रशिया यूके यूएसए और इसमें यहां पर एवरी टू इयर्स के लिए दस नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है एवरी ईयर पांच पांच मेंबर चुने जाते हैं और दो साल के लिए चुने जाते हैं यहां पर आपके और जिसमें इंडिया भी अभी नॉन परमानेंट मेंबर पिछले दो साल से था अब नहीं है अब नहीं रहा है फिलहाल वो जो दस पर नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें से एक मेंबर जो है वो प्रेसिडेंसी करता है उनकी और प्रेसिडेंट रहता है वो उस कार्यकाल के दौरान और मंथली बेस पर वो प्रेसिडेंट बनता है मंथली बेस पर एक मंथ में ये कंट्री प्रेसिडेंट बनेगी फिर अगली कंट्री जो भी कॉन्फ्रेंस होगी जो भी उनकी बातें होंगी उसकी प्रेजिडेंसी करेगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फिलहाल

हेड बना है इस मंथ के लिए दैट इज घाना ठीक है ये परमानेंट मेंबर्स हैं इंडिया ख्याल परमानेंट मेंबर बनने के लिए यहां पर आपका हमेशा तैयार है आपका कोशिश करता रहता है लेकिन परमानेंट मेंबर बनने के लिए इसको पांचों के पांचों देश जो हैं उनकी यहां पर सहमति चाहिए परमानेंट मेंबर की जिसमें से आप सबको मालूम है जो चाइना हमारा पड़ोसी राज्य देश है यह यहां पर हमें मंजूरी नहीं दे रहा बाकी तैयार है लेकिन चाइना नहीं दे रहा है स्विट्जरलैंड की रेलवे ने क्लेम किया है कि उनके यहां पर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है और उन्होंने कहा है यह रिकॉर्ड है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो आपको मिलेगी हमारे यहां रहतियान रेलवे कंपनी रैन 1.9 किलोमीटर ट्रेन ओके okay, 1.9 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है भाई साहब 1.9 किलोमीटर लंबी एग्जाम पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पता आएगा एग्जाम पॉइंट से आपके मैथ्स में क्वेश्चन आएगा इन द सिंगापुर अ वर्ल्ड लोंगेस्ट पैसेंजर ट्रेन इज देअर ओके एंड दैट ट्रेन इज ऑफ डिस्टेंस ऑफ टोटल लेंथ इज हैविंग इज लेंथ इज वन पॉइंट नाइन किलोमीटर ठीक है सो so, इतने दूरी पर चलती है इतने स्पीड से चलती है तो आप दूरी दूरी तय कीजिए या एक पुल को कब तक क्रॉस करिए है ना तो समथिंग लाइक दैट

द पैसेंजर ट्रेन पास थ्रू ट्वेंटी टू टनल्स है ना सम ऑफ समिथ स्पायर थ्रू माउंटेंस एंड अक्रॉस फोर्टी एट ब्रिज लो ये ब्रिज की लेंथ पूछेंगे और ट्रेन की लेंथ पूछेंगे ठीक है क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मैथ्स में याद रखना मार्केट इज अम्पॉर्टें क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट स्विस की रेलवे हैव एक पॉइंट नौ किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करती है ऐसे करती है वैसे करती है इतने टाइम में करती है तो ज्ञात कीजिए कि ब्रिज की कितनी लंबाई होगी ज्ञात कीजिए टनल की कितनी लंबाई होगी है ना ठीक है सो स्विस क्लेम रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन

और अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में यहां पर 2021 और 22 के बीच में छह जर्नलिस्ट को यहां पर मार दिया गया था ठीक है तो ये यहां पर रहा नेशनल इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है विद थीम प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी वियना ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में हैश ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है और थीम है इस बार की ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में पूरा पूरा एक वीक इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक पब्लिशिंग रिसर्चर्स एंड पब्लिशर्स ओके आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूं आज का सेशन पसंद आया होगा अब आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा छः नवंबर को सुबह दस बजे आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए फ्री टेस्ट है इसको स्कॉलरशिप की बजाय आप एक फ्री टेस्ट के फॉर्म में देखिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए एनालाइज करने के लिए ज़रूर इस टेस्ट को दीजिएगा और आप साथ ही साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आप कुछ अगर उन लक्की विनर्स में आते हो तो आपको अमेजोन के वाउचर्स भी मिलेंगे तो ये है छः नवंबर सुबह दस बजे ओके okay, सो so, उम्मीद करता तो हूं आज का सेशन पसंद आया होगा आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको मैंने वो क्वेश्चंस भी आप ज़रूर अपने एंड पे कर लीजिएगा ये स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि न्यूज़पेपर से आते हैं यानी कि ये पूरी पूरी न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन सिंगल एक क्वेश्चन इसमें से आप कर लोगे तो काम बन जाएगा ठीक है पूरी न्यूज़ इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज क्वेश्चन तो ये अपने आप कीजिएगा डू इट यूर सेल्फ एंड मिलता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास में दूसरा आइकन अन अकेडमी बैंक एग्जीक्यूटिव यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मिलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं रोज़ बैंकिंग ही नॉलेज देता हूँ जो कि आपके बैंक एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स ये वाली पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग की क्लास ज़रूर देखा कीजिए लिंक मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी आपको दे दिया है दूसरा चैनल है अनकेडमी बैंक एग्जीक्यूटिव आज ऑफ फटाफट से